सेशन को शुरू करते हैं और पहले सवाल का जवाब मैं आप सभी को देता हूं। पहली चीज, क्या हमें अभी रिलैक्स करना चाहिए? बॉयज रिलैक्स रिलैक्स। देखो यार, रिलैक्सेशन तो चलता रहता है। वैसे भी हमें तैयारी जब शुरू करनी है तो शुरू करते हुए भी ये नहीं होगा कि एकदम से हम 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो रिलैक्सेशन तो वैसे भी साथ साथ चलता रहेगा। यानी आपको प्रोक्रास्टिनेशन करने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, वाओ, ओह माय गॉड। अब टॉप 500 में अगर आपको आना है तो कितने लाख स्टूडेंट जेई देते हैं यार? अराउंड 9 to 10 lakh जेई देते हैं। अगर 10 lakh स्टूडेंट जेई दे रहे हैं और 10 लाख में आपको 500 में आना है तो आपको 9,99,500 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना होगा यार। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो सवाल ये है कि भाई व्हाई आईआईटी? तो अक्का पब्लिक को मालूम है, तो कोविड का सिनेरियो देख रहे हो ना कितना रिस्की है। और मान लीजिए 2-3 महीने में ऑफलाइन कोचिंग खुल भी गई, फिर दोबारा बंद हो गई तो क्या पता लगेगा। तो इसलिए आपका फ्लो बार बार टूटता रहेगा। यानी ऑफलाइन में गलती भी मत करना, ठीक है ना? बहुत ऑफलाइन में देखे, ऑफलाइन कोचिंग्स बढ़िया रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट इशू यहाँ पे है कि कोविड का सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन की फी भी काफी अच्छी खासी होती है। तो वो लोग क्या, भगवान मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, हजारों अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, वायरस को इस दुनिया से उठा ले, नर्क में जलाओ उसे, गरम तेल में पकोड़े बनाओ उसके, भगवान। भगवान को सुपारी दे रहे क्या? कहीं पे भी अगर आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन पता हो, यानी कभी भी जेई में अच्छी रैंक चाहिए होती है। देखो सिलेक्शन की बात अलग है, सिलेक्शन तो यूट्यूब से भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी रैंक चाहिए तो स्टूडेंट को लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। लेक्चर्स खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।